अभी जो वेज थाली है 80 रुपए की है, जी पनीर थाली है 150 रुपए की है, नॉन वेज थाली 180 की है, गढ़वाली थाली 150 की, मतलब ज्यादा भी प्राइस नहीं रखा, या, या, या। सब लोग खा सकते हैं। जी जी। और भड्डू की दाल अगर आपको खानी है तो यहाँ पे आप इसका स्वाद ले सकते हैं। और यहाँ पे मटन भी जो है भड्डू में बनाया जाता है। टैग लाइन है पाड़ी सोच पाड़ी बोझ। गुड गुड, स्वाद है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था यहाँ का। जी, ये है राज नीलम मराड़ गांव में। ये बहुत सुंदर हसीन वादियाँ पहाड़ों की आप देख सकते हैं। ये रोड़ी और ये है परेड़ा, इसमें जो है हमारे गढ़वाल में मठा लगाई जाती है। ये इन्होंने कई देशों में अपने होटल लाइन में जो है काम किया है, और इन्होंने एक लोगों को सीख देने का काम यहाँ पे किया है। और बहुत कुछ ना कुछ घर में ही करना है, गांव में ही करना है, मतलब लोकल चीज पे ज्यादा वो था हमारा, मतलब प्यार था गढ़वाल, गढ़वाल से बहुत प्यार था पहले। तो उसके बाद जब मैं अल्जीरिया गया, साउथ अफ्रीका, कतर, तुर्की, 4-5 कंट्रियों से होके आया। ऐसा नहीं कि मतलब शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब दवाई के सही बात के रूप में गढ़वाली खाना खा सकते हैं लोग। खुदे की रोटी हो गया आपका, फाणू हो गया, कंडाली की सब्जी हो गई, भड्डू की दाल हो गई, भड्डू का मीट हो गया, भड्डू का चिकन हो गया, झंगोरा हो गया, चीजें हम सिलवट्टे का नमक हो गया, सिलवट्टे की चटनी हो गई। लगता है कि अपना आदमी अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो औरों को प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, धन्यवाद। इसी से प्रेरणा मिलती है कि मतलब जो है वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये है दोस्तों मराड़ गांव, ये देखिए कितने सुंदर गांव है। सभी मित्रों को मेरा प्यारा नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह महंत अपने यूट्यूब चैनल सलुआ उत्तराखंडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं उत्तरकाशी से जा रहा हूँ देहरादून, और मैं भी पहुंच चुका हूं मराड़ गांव में। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सुंदर बसंत ऋतु में यहां पे चुल्लू का पेड़ किस तरह खिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें फूल खिले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और दोस्तों यहाँ पर होटल है जो कि राज नीलम रेस्टोरेंट है, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, और बहुत अच्छा खाना यहाँ पर बनता है, नॉन वेज भी बनता है और सादा भोजन भी बनता है। ये है यहाँ पे, ये है राज नीलम मराड़ गांव में, और ये पीछे मराड़ गांव देख सकते हैं। और हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे अभी भोजन कर रहे हैं। और आप भी जब भी देहरादून जाएं तो यहाँ का एक बार स्वाद अवश्य लें, में अच्छा खाना बनाया जाता है। और ये देखिए दोस्तों हसीन वादियाँ देखिए आप, ये है मराड़ गांव, और ये ऊपर देखिए आप मौर्याना टॉप है, और ये बहुत सुंदर हसीन वादियाँ पहाड़ों की आप देख सकते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और मैं आपको ले चलता हूँ होटल के अंदर, आप बने रहे मेरे साथ। और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ होटल के अंदर, ये है राज नीलम होटल मराड़ गाँव में। और ये आप देखिए गढ़वाली कल्चर यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से होटल में जो है, ये देखिए यहाँ पे जो पानी का बर्तन जिसको बंटा बोलते हैं वो भी रखा हुआ है, घाघर है। और ये आप देखिए इसमें मट्ठा लगाते हैं, ये रोड़ी और ये है परेड़ा, इसमें जो है हमारे गढ़वाल में मट्ठा लगाई जाती है। और ये आप देखिए ये हल है जिससे किसान खेतों में हल जोतता है, ये आप देखिए यहाँ पर नमूना इन्होंने रखा है, और इसको हम ही कहते हैं, ये आप देखिए। और इनके द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पे जो है कस्टमर को भोजन दिया जाता है। और ये आप देखिए पुराने बर्तन, पीतल और कांसे के बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, हुक्का है, हमारे बुजुर्ग लोग तंबाकू पीते थे, और फिल्टर। भड्डू की दाल अगर आपको खानी है तो यहाँ पे आप इसका स्वाद ले सकते हैं। और यहाँ पे मटन भी जो है भड्डू में बनाया जाता है, क्यों मेहर जी, है ना, भड्डू का चिकन बनता है। और ये है महर जी मराड़ गांव से हैं, और ये विदेशों में भी रहे हैं होटल लाइन में, और इनके द्वारा यहाँ पे अच्छी सेवा दी जा रही है। और मैं तो आप सब लोगों से ये कहूँगा जो भी यहाँ पे उत्तरकाशी से और जहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे, आप अवश्य एक बार स्वाद लें भोजन का, और बहुत अच्छा आपको भोजन मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। साथ यहाँ पे महर जी हैं जो कि मराड़ गांव से हैं, यहाँ पे स्थानीय बेरोजगार थे, और ये इन्होंने कई देशों में अपने होटल लाइन में जो है काम किया है, और इन्होंने एक लोगों को सीख देने का काम यहाँ पे किया है, और बहुत अच्छा यहाँ पे होटल खोला है, और कई कर्मचारी यहाँ पे अपने साथ रखे हैं, और अच्छा खाना यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से करता हूँ। तो महर जी आप हमारे यूट्यूब में बताएंगे और कैसा आप हमें भोजन बनाते हो, कैसा आपके दिमाग में ये ख्याल आया यहाँ पे
कि हम जो है अपने गांव में ही अपने क्षेत्र में जो है इस तरह से यहाँ पे होटल लाइन में काम करें। सर ये तो पहले से ही था जब हम पढ़ाई करते थे कि मतलब कुछ ना कुछ घर में ही करना है, गांव में ही करना है, मतलब लोकल चीज पे ज्यादा वो था हमारा, मतलब प्यार था गढ़वाल, गढ़वाल से बहुत प्यार था पहले। तो जब मैं इंटर करने के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन पीजी की देहरादून से किया मैंने, अल्पाइन से होटल मैनेजमेंट किया मैंने, फ्यूजन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून से किया। उसके बाद जब मैं अल्जीरिया गया, साउथ अफ्रीका, कतर, तुर्की, चार पांच कंट्रियों से होके आया। तो जब एक कोरोना काल हुआ जी, उसके बाद घर ही इंडिया ही रहना हुआ जी, उसी समय मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपने कल्चर अपनी संस्कृति के साथ कुछ खाने पीने की, क्योंकि वैरायटी बहुत है गढ़वाल चीजों में, तो बहुत सारी, और खाना भी बहुत बढ़िया है स्वास्थ्य पर जी, जी। खाना ऐसा नहीं कि मतलब शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब दवाई के सही रूप में गढ़वाली खाना खा सकते हैं लोग। तो बस इसी विचार से मैंने कहा चलो अपने संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाना दिया जाए। क्या क्या खाना बनाते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर सारा गढ़वाली खाना मैक्सिमम बनता है, जैसे कोदे की रोटी हो गया आपका, फाणू हो गया, कंडाली की सब्जी हो गई, बड्डू की दाल हो गई, बड्डू का मीट हो गया, बड्डू का चिकन हो गया, झंगोरा हो गया, मैक्सिमम चीजें हम, सिलवट्टे का नमक हो गया, सिलवट्टे की चटनी हो गई, ये चीजें। अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना आपका, मैंने भी दो तीन बार आपके भोजन यहाँ पे मतलब ले लिया है, मुझे अच्छा लगा। मैंने परसों बल्कि यहाँ से मटन पैक करके ले गया, कैसा लगा? लगा बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम आज रुके हैं और हम रुकते हैं, है ना, और आप हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो अच्छा लगता है कि अपना आदमी अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो औरों को प्रेरणा मिलती है, इसी से प्रेरणा मिलती है कि मतलब जो है वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को चाहिए, अगर हम करेंगे तो मतलब लोगों को तो चाहिए या सब, मतलब जो है आज देखो तुम, मतलब जो है पहले रोहतक वैली में वो उधर जो है लोगों का ज्यादा वो था, आज आपके यहाँ इतनी भीड़ यहाँ पे रहती है, मैं देखता हूँ कई लोग यहाँ पे मतलब जो जाते हैं, आते सारे अधिकारी लोग आते हैं, सारे जितने पसंद करते हैं, उत्तरकाशी के, देहरादून के, जैसे दून इंटरनेशनल के बच्चे हो गए, बहुत सारे लोग हैं, मतलब काफी सभी लोग आते हैं, छोटे तबके के हो चाहे हो कुछ उसमें हो। आपका क्या रेट क्या रखा है वैसे थाली का, जो रेट है थाली का? मेरा अभी जो वेज थाली है 80 रुपए की है, पनीर थाली है 150 रुपए की है, नॉन वेज थाली 180 की है, गढ़वाली थाली 150 की, मतलब ज्यादा भी प्राइस नहीं रखा, सब लोग खा सकते हैं, बड़ा सा बड़ा आदमी है छोटे से छोटा, और मटन के वो तो अपना वो जो हमारा आला काटा मेन्यू है वो अलग है, वो तो अलग है। चलो बहुत बढ़िया आपका भोजन, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद 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 सर। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे भोजन करें, आपको अच्छा यहाँ पे भोजन मिलेगा, मैं आपको दाव के साथ बोलता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद आपका, जरूर आए, पाड़ी पाड़ी सोच पाड़ी भोज हमारा टैग लाइन है, पाड़ी सोच पाड़ी भोज। गुड गुड। तो मेरे साथ यहाँ पे कस्टमर है, इन्होंने यहाँ पे भोजन किया, तो आपको कैसा भोजन लगा यहाँ पे, कैसा स्वाद है? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था यहाँ का जी, और व्यवहार भी इनका बहुत अच्छा था जी। जी तो महर जी तो है ही फेमस है, मराड़ गांव के हैं, तो अच्छा ही व्यवहार होगा, और मैं सभी से कहूंगा कि आप लोग अवश्य यहाँ पे भोजन करें और एक बार देखें हैं, जिसका टेस्ट जरूर लें, क्योंकि यहाँ पे जो बनता है वो भड्डू की दाल, जिसको हम मतलब हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, और आज भड्डू की दाल यहाँ पे हमें खाने को मिलता है, तो हम इसका जरूर स्वाद लेंगे। तो ये है दोस्तों मराड़ गांव, ये देखिए कितने सुंदर गांव है ये आप देख सकते हैं, और ये देखिए हसीन पहाड़ों की हसीन वादियां, ये आप देखिए चारों तरफ का बहुत ही खूबसूरत नजारा, ये देखिए दोस्तों वाह, और यहाँ पे कई कस्टमर भोजन यहाँ पे करने आए हैं। ये है जो सादी थाली है, ये आप देख सकते हैं वेज थाली है दोस्तों, ये आप देखिए यहाँ पे ये सिलवटा है, और इसी सिलवटे में ये नमक पिसा गया है, और ये आप देखिए बहुत कई प्रकार के आइटम्स इसमें मिलाए गए हैं, और इसका स्वाद मैं लेना चाह रहा हूँ, और ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है दोस्तों, आप भी इसका स्वाद दे सकते हैं। और ये देखिए ये भड्डू है, और इसको तोड़ा बोलते हैं गढ़वाली में, और इसमें भी भात बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है, और मैं किचन के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ दोस्तों, ये है यहाँ की किचन, और ये देखिए दोस्तों ये बड़ा वाला भड्डू यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस भड्डू में भी ये है मटन चिकन बनाया जाता है, और इसमें दाल भी बनाई जाती है, भड्डू की दाल जो होती है, बहुत बड़ा भड्डू है आप देख सकते हैं, ये आज विलुप्त हो गया दोस्तों, पहले हर घर में होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कांसे की और पीतल के बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं, ये हुक्का है, इसमें फिल्टर होके जो है तम्बाकू पिया जाता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।